ओके, सो वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है आज के ये प्रोग्राम में। मन को शांत कैसे करें हिप्नोटिज्म द्वारा, और पेरेंटिंग कैसे करें हिप्नोटिज्म द्वारा, मतलब हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके पेरेंटिंग कैसे करना है और मन को कैसे शांत करना है, दोनों की बात हम देखेंगे। थोड़े लोग ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं। तब तक सुरेश पवार, आपको आवाज सुनाई नहीं आ रही है? आपको वीडियो और ऑडियो दोनों ज्वाइन करना है। अक्षय सांगे बोलिए, अनम्यूट करो और बोलो। सुरेश पवार को डालो, सर बोलिए। हेलो हेलो सर, हुआ ऐसा ना, मैं आउट ऑफ पुणे था, आपका सेशन नहीं सुन पाया मैं, तो बताइए ना मेडिसिन कैसे लेना है आज। तो ये सेशन अभी मेडिसिन के लिए नहीं है, ये ओके सेशन आपको अभी है मन को शांत कैसे करें और हिप्नोटिज्म द्वारा, तो ओके, बट हम उसकी बात करेंगे। एक्चुअली मैं भूल, और बाद में मैं आपको नंबर देता हूँ, नंबर डाल दो, वो नंबर पे कॉल करो, आपको कॉल हो जाएगा, ठीक है ना? अभी वो सेशन मेडिसिन का सेशन नहीं है ये। हाँ, ओके नंबर बताइए ना सर। नंबर डाल देते हैं अभी, ठीक है सर, चैट बॉक्स में नंबर डाल देंगे, वो नोट डाउन करो और वहां फोन करो। शायद आपने बात भी की है हमारे असिस्टेंट से हाँ और उन्हें किया बताया था। भी है आपको। हाँ, हाँ उन्हें आपको बताया भी है, राइट? और सुरेश पवार जो है ना, उनको रिक्वेस्ट है कि आप आपका ऑडियो चालू करो। शायद हमें एक ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा मनीष जी, कि ये ऑडियो कैसे चालू करना है। एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं या उसका एक स्लाइड तैयार करते हैं, है ना, एक स्क्रीनशॉट लेके, ताकि लोग समझ जाएंगे, राइट? तो आज का टॉपिक जो है वो है पेरेंटिंग और हिप्नोटिज्म। पेरेंटिंग में हिप्नोटिज्म द्वारा मतलब पेरेंटिंग अच्छा कैसा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मन को शांत कैसे करें, ये दोनों भी है। सुरेश पवार, आपका ऑडियो चालू हो गया है, मैंने आपको अनम्यूट करने का फॉर्म भेजा हुआ है, आपको अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूँ मैं। ये सुरेश पवार, हाँ सबको रिक्वेस्ट है कि आज के सर, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक के अनुरूप ही सवाल करना है, ठीक है दूसरे सर। सवाल नहीं करना है, क्योंकि मैं अलग अलग प्रोग्राम लेता हूँ। हमारा अबंडेंस का प्रोग्राम रहता है, अबंडेंस का मैजिक, तो उसमें के बहुत लोग यहाँ हैं। फिर मेरा हिप्नोटिज्म का रहता है, फिर सेक्स एजुकेशन का रहता है, फिर दवाइयों के लिए अलग प्रोग्राम रहता है। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप अभी आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक के अनुरूप ही सवाल करना में अच्छा रहेगा। यस, तो हम शुरू करते हैं। तो सुरेश जी, आपको कुछ पूछना है? सुरेश पवार, फिर सर टॉपिक। जी, मैं अगले बार ही पूछना चाहता था सर, मंगलवार के दिन। हाँ ओके, ठीक है। हाँ, सर, आवाज आ रही ना सर मेरी? तो आज के टॉपिक के लिए जो है, मतलब आज का टॉपिक वो अनुरूपी है ना सवाल आपका? मैं सुना नहीं सर, पहले आप बात करें ना, तो मेरा ईयरफोन काम नहीं कर रहा था, अभी काम कर रहा था। पेरेंटिंग में हिप्नोटिज्म का कैसा इस्तेमाल करना है वो एक अच्छा टॉपिक, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, और मन को शांत कैसे करना है वो बताने वाला हूँ, ठीक अच्छा सर, अच्छा है ना? तो वो टॉपिक को लेकर ही सवाल जवाब करना है, ठीक दूसरे है नहीं सर, करना है, ठीक है ना? ओके ओके सर। ओके, तो आपका क्या सवाल है? अलग सवाल है कुछ? हाँ सर, अलग था मेरा, वो क्या था सर, मैं आज अपने पास से जब से आया ना, तो 2 दिन मुझे एकदम रिलीफ लगा सर, नो प्रॉब्लम, कुछ अड़चन नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं ऐसा दुकान पे पैदल गया, और पैदल वापस आया तो मेरे को थोड़ा दम आया वैसा लगा मुझे, बोले तो सांस खुल गई थी मेरी, तो उस दिन से थोड़ा सा डर बैठ गया अंदर कि भाई अब पैदल जाना कि नहीं, जाना कि नहीं। तो उस दिन से अभी तक मैं मोटरसाइकिल पे जाना जाना कर रहा हूँ, मेरी डेरी भी नहीं हो रही सर पैदल चलने की दुकान तक, बस इतना राइट प्रॉब्लम। राइट राइट, ठीक है, हरकत नहीं। तो क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चालू रहते हैं, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में। क्या, लोअर करो हैंड्स, हैंड्स लोअर करो, इनके ऊपर है। बहुत सारे दिमाग में हमारे, मतलब बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में चालू रहते हैं, बहुत सारे विचार है, और डर डर
मतलब कुछ खोने का डर, या कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, हम कुछ खो बैठेंगे, उसका डर, वो जो चिंता है, वो चिंता वो हमें भविष्य तैयार करती है, मतलब कल तैयार करता है कि कल कल क्या होगा, कल क्या होगा, उसकी वजह से कल तैयार होना, अदरवाइज कल कुछ नहीं। वासना जो है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो वासना तैयार करती है फ्यूचर, कल, अदरवाइज कल कहाँ है। और आपको जो डर लगता है, हो सकता है कि पीछे से आ रहा है, पास से, और पास कहाँ है, पास हमारे दिमाग में मेमोरी बैग्स में, मेमोरी बैग्स मतलब स्मृति की थैलियां दिमाग के अंदर है, और वो पास है, बाकी पास कहाँ है, पीछे मुड़ के देखो कोई पास नहीं, मगर वो स्मृति की थैलियां जाग उठती है और हमको डर लगता है, घबराहट होती है, अब क्या होगा, और वो फ्यूचर में क्या होगा, इसका डर लगता है। अब हम सीखेंगे कि हिप्नोटिज्म द्वारा ये कैसा करेंगे, इसका उपचार एक सेशन में आपको दूंगा। दूसरा ये है कि बच्चों के बारे में क्या है कि बच्चे, छोटे बच्चे जो है ना, 6 साल के मतलब कम उम्र वाले बच्चे, वैसा देखा जाए तो वो 24 घंटे हिप्नोटाइज रहते हैं, हिप्नोटाइज ट्रांस में रहते, 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि उनको बोला कि उधर मत जा, भूत है भूत, तो उनको सच्ची लगता है कि वहां भूत ही है, वहां मत जा, वो गिर जाएगा, गिर जाएगा, तो वो लगता है गिर जाएगा, वो जाता नहीं है, तो डर लगता है। तो हम बच्चों को क्या करते हैं कि जो बोलते हैं उनको सच लगने लगता है, यदि आपने देखा होगा, बच्चे ज्यादा सवाल करते हैं मगर अर्गुमेंट नहीं कर सकते, दोनों में फर्क है, सवाल करना, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, सवाल करेंगे, अर्गुमेंट नहीं कर सकते, उनके पास में उतनी क्षमता नहीं है। तो बच्चों को हमने सजेशंस देना बहुत जरूरी है, और ये सजेशन का इस्तेमाल मेरे नाना जी करते, दादा जी करते। क्या होता है कि बच्चे शाम के समय जैसा अंधेरा हो जाता है, थक जाते हैं, खेलते रहते हैं, तो थोड़ा उनको दिमाग में ऐसा मतलब नींद वगैरह आती है, जो बच्चे दोपहर को सोते नहीं, उनको जल्दी नींद आ जाती है। तो हमारे दादाजी हमको लेकर बैठते थे शाम के समय और सजेशन देते थे, उनको ये हिप्नोटिज्म मालूम नहीं था कि वह हिप्नोटिज्म है, मगर वो सजेशन देते थे शाम को बैठने के समय, कुछ ये बोलना, मतलब भगवान के बारे में कुछ, जैसे मंत्र है वो सिखाते थे, फिर कुछ प्रार्थनाएं थी वो सिखाते थे, और फिर हमको कुछ सूचनाएं देते थे। सूचनाएं कैसे देते थे, सूचनाएं बोलते थे कि हरदम रास्ते के बाएं बाजू चलना चाहिए, सूचनाएं हरदम रास्ते के बाएं बाजू चलना चाहिए, हर समय हर काम समय पे करना चाहिए, सूचनाएं। बच्चे क्या रहते हैं, बच्चे एक तो बहुत सजेस्टिबल है, जो बोला हो मान लेते हैं, और ज्यादातर जब बच्चों को शाम के समय आप कुछ बातें करते हैं तो ज्यादा और दिमाग में अंदर घुस जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में अंदर वो प्रवेश कर लेती है। तो दादाजी बोलते थे कि भाई बाएं तरफ चलना चाहिए रास्ते के, क्रॉस करने के समय दाएं तरफ देखो, बाएं तरफ देखो, और बाद में रास्ता क्रॉस करो। ये मेरे दिमाग में इतना पक्का बैठ गया है कि आज 60 साल के बाद में भी वो मुझे पूरे शब्द के शब्द बिल्कुल याद है, क्योंकि वो पक्के दिमाग में जाके बैठे। फिर वो बोलते थे कि नहीं, हरदम सत्य बोलना चाहिए, कोई भी काम जो है वो टाइम पे करना चाहिए, ऐसा पूरा। तो एज ए माँ बाप, एज ए पेरेंट्स, हमको बच्चों को कंटिन्यूअसली बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, और उसके साथ साथ सिर्फ बोल के होता नहीं है, करना भी है, क्योंकि पिताजी जो कहते हैं वो बच्चा मानता नहीं है, पिताजी जो करते हैं वो मानता है। तो करनी और कथनी में यदि फर्क हो गया माँ बाप के, तो प्रॉब्लम है। तो बोलना भी है बार 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 बार, ताकि वो अंदर तक जाएगा, और करना भी है, मतलब कथनी और करनी दोनों भी जरूरत है पेरेंट्स के लिए। हमने क्या किया है कि पेरेंट्स के लिए हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया हुआ है ये सैटरडे को, कि भाई बच्चों को पावरफुल, शक्तिशाली बनाने का क्या रहस्य है। 4 घंटे का वर्कशॉप है, और उसमें यदि आपको आना है वर्कशॉप में, तो मैं एक आपको लिंक देता हूँ, वो लिंक में मतलब वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, और फिर आपको जानकारी मिल जाएगी वर्कशॉप के बारे में,
तुम्हें लिंक डालने की, मेरे साथ में डॉक्टर मनीष सेठी जैन वो भी है, वो हम साथ में लेते हैं वर्कशॉप, और वो भी है यहाँ मौजूद। यू कैन से हेलो टू एवरीवन। हाय, हाँ जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष सेठी जैन है और अबंडेंस इनोवेटिव एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है उस कंपनी में मैं को फाउंडर हूँ। और हम जो है शनिवार को वर्कशॉप ले रहे हैं, डॉक्टर दीपक सर लीड करने वाले हैं। तो आपको किसी को भी उसकी जानकारी हो, एक पेड वर्कशॉप है, 4 घंटे का पेड सेशन होता है, उसकी फीस वगैरह सब बता देंगी। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और जानकारी चाहिए तो आपको मैं अभी लिंक डाल दूंगा, तो उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। और डेफिनेटली एज ए पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत वैल्यूज वहां पर मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू वेरी मच। तो सवाल ये आता है कि हमारे ये जैसा मैंने बताया बच्चों का, तो हम उस दिन वो वर्कशॉप के दिन जो हम मैं बोलूंगा आपको कि हिप्नोटाइज करो बच्चों को, और हिप्नोटाइज करके मतलब आप भी सीख जाओ थोड़ा सा, तो वो क्या है वो भी थोड़ा सा बताऊंगा उस दिन में। मतलब पूरा 4 घंटे में तो होगा नहीं, उसके लिए एडवांस वर्कशॉप है, मगर वो 4 घंटे में उसके ऊपर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी संभव है। और आज भी मैं बताऊंगा कि खुद को हिप्नोटाइज कैसे करना, सेल्फ हिप्नोटिज्म, खुद को हिप्नोटाइज कैसे करे, और खुद को हिप्नोटाइज करके अपने अंतर मन को सूचनाएं कैसे दे। और वो भी यदि हम देते हैं, अंतर मन को सूचनाएं देते हैं, तो जो चिंता है, बहुत फिकर है, घबराहट है, बेचैनी है, वो कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा विचार है, कंटिन्यूसली विचार आते रहते आते रहते आते रहते आते रहते हैं, और वो रुकते भी नहीं, रुकते भी नहीं। तो उनको कैसे शांत करना है, इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई स्ट्रेस फ्री इंडिया, हम हर गुरुवार को ये प्रोग्राम लेते हैं, हर गुरुवार को, काफी सारे लोग हर गुरुवार को आते रहते हैं, एवरी थर्सडे। और स्ट्रेस फ्री करना मतलब ये दुनिया को, हमारे देश को, ये दुनिया को तनाव मुक्त करना, ये हमारा अभियान है, स्ट्रेस फ्री इंडिया, तनाव मुक्त, तनाव रहित समाज। और उसमें अलग अलग मैं टॉपिक्स लेते रहता हूँ ताकि लोग तनाव मुक्त कैसे हों, या तनाव को मैनेज कैसे करें। क्योंकि हम ऐसा हरदम बोलते हैं कि तनाव को आप कम नहीं कर सकते, अपने आप को पावरफुल बना सकते। तनाव कम नहीं होगा, तनाव तो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। आज आपसे 25 साल पहले या 30 साल पहले जब ये मोबाइल नहीं था, मतलब तो ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से, 31 साल हो गए मोबाइल आने, जब नहीं था तो बहुत शांति थी दिमाग को, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो शांति थी। आज ये टीवी मोबाइल इतना फास्ट सब हो गया, तो दिमाग को शांति नहीं है, बहुत सारे विचार चालू रहते। तो उससे शांत कैसे करना, तो आपको बाहर न देखते हुए अपने अंदर झांक के देखना है, और अंदर झांक के देखेंगे तो दिमाग शांत हो जाएगा, और दिमाग शांत होता है तो रिलैक्स यदि होता है तो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। कितना भी बाहर चिल्लाहट हो रही है, कितना भी आवाज बाहर हो रहा है, कितना भी तान तनाव है, तभी आप शांत है, क्योंकि बाहर का आवाज हम कम नहीं कर सकते, आप अपने आप को शांत कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़े से मैं आपको ये बताऊंगा, स्लाइड बता दूंगा, ताकि आपको समझेगा कि इसमें कौन से प्रॉब्लम हिप्नोटिज्म से हम ठीक कर सकते हैं। और फिर बाद में मैं आपको हिप्नोटिज्म का एक सेशन दूंगा, बहुत ही शॉर्ट में मैं ये सब स्लाइड बता दूंगा आपको, ताकि ये इसमें टाइम नहीं जाएगा। जैसा ये मेरे बारे में आपको मालूम है कि हील योर माइंड एंड बी पावरफुल, ये वर्कशॉप हमारा हिप्नोटिज्म का अलग से होता है, जिसमें हिप्नोटिज्म चिंता घबराहट निराशा गुस्सा, मतलब हिप्नोटिज्म से सब ये विचार, नकारात्मक विचार, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक अटैक, सब हम ठीक करने के लिए बोलते हैं। और जिनको मैं मतलब जो मुझे पहचानते नहीं है, उनको बताऊंगा कि मैं MBBS, DPM, DMB और MD हूँ क्वालिफिकेशन, और मैं पिछले 39 साल से अकोला में एज ए साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अकोला महाराष्ट्र। तो ये हमारी ब्रांचेस है, ये हमारे हॉस्पिटल है, हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, हमारा साइकियाट्री हॉस्पिटल है, ये हमारा और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और यह नागपुर का हॉस्पिटल है। ये मेरी किताब है कुछ, और ये यूट्यूब चैनल है जिसमें अभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, और यूट्यूब चैनल में जितने भी लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, मैं लिंक डालता हूँ जूम की, तो जूम पे आते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा, उनको मेरे से बात करने का मौका मिल सकता है। राइट, यूट्यूब पे लोग हैं, ये हमारी स्पेशलिस्ट टीम है,
और ये हमारा विजन मिशन, और ये हिप्नोटिज्म जो है ना उसको कोई लोग ट्रांस बोलते हैं, हिप्नोसिस बोलते हैं, त्राटक विद्या, मोहिनी विद्या, सम्मोहन विद्या, एनिमल मैग्नेटिज्म, वशीकरण विद्या, ऐसे अलग 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 नाम है उसको। मेस्मेरिज्म भी नाम था ना, मेस्मेरिज्म, डॉक्टर मेस्मर ने इसकी खोज की, इसलिए उसको मेस्मेरिज्म बोलते हैं। ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, यहाँ उसको प्रमाणित किया गया है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसको, हिप्नोसिस को वैलिड थेरेपी करके एंडोर्स किया है। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना उसका रीप्रोग्रामिंग, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी जाके बैठा हुआ है अंदर, तो वो एक पक्का प्रोग्रामिंग हो चुका है अंदर ना। अभी जैसा एक आधी कैसेट है और वो कैसेट में एक गाना है, वो गाना जो है वो चालू है चालू है चालू है, समझो अभी आपके पास में पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में कुछ फीडिंग किया हुआ है हमने, और वही 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 गाना चालू रहेंगे। अभी हमको यदि वो निकालना है तो वो निकाल के उसमें नया फीड करेंगे तो नया गाना सुनने को मिलेगा। यदि आप पुराने गाने से, मतलब पुरानी चिंता, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, बोर हो गए, घबराहट है, तकलीफ है, तो डेफिनेटली वो गाना निकालना पड़ेगा और नए गाने वहां डालने पड़ेंगे। तो हिप्नोटिज्म से हम नया रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड का, जिसको अंतर मन का रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें दूसरों के मन की बातें भी जान सकते हैं, दिमाग की शक्ति बढ़ा सकते हैं। ये संबोधन क्या है आपको समझेगा, मैं इसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें है ना मेरे अलग अलग वीडियोज है जो आपको मिल सकते हैं। वीडियोज वीडियो का एक पूरा 65 करीब करीब वीडियो है, उसका पूरा एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, वो आपको मिल सकता है। उसके लिए भी मैं आपको नंबर देता हूँ, आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ अभी आज सम्मोहन का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा, ताकि आपको आपकी जिंदगी में इसका फायदा हो सके। आपको सम्मोहन से नींद भी अच्छी आ सकती है, कुछ ही समय में आपको नींद आ सकती है, और हिप्नोटिज्म से ठीक होने वाली समस्या, चिंता रोग, निराशा, फोबिया, पैनिक अटैक, आत्मविश्वास बढ़ाना, हिस्टेरिया, बार बार विचार आना, बार बार हाथ धोना, फिर ओवर थिंकिंग है, नींद की समस्या है, सर दर्द है, माइग्रेन, पेट विकार, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है, ये सब प्रॉब्लम जो उसमें क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम से होता है प्रोडक्टिविटी कम, प्रोडक्टिविटी कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, संघर्ष होता है प्रॉब्लम से, पति पत्नी में डिवोर्स तक बात आती है, बिजनेस बंद होता है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको है तो नौकरी छोड़नी पड़ती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, शारीरिक बीमारी होती है। तो ये सम्मोहन से हम एंग्जायटी को भी दूर कर सकते हैं, एंग्जायटी, चिंता, फिर एलकेके सिंड्रोम जैसा हम बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आलसीपना है, प्रोक्रास्टिनेशन है, आत्मविश्वास की कमी है ना, खुशी नहीं है जिंदगी में, मन को शांति नहीं है, मन को सुकून नहीं है, गुस्सा आता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना, तो उसमें सम्मोहन काम में आता है। मन बहुत सेंसिटिव है, मन को कोई भी बात लग जाती है, मन दुखी हो जाता है, उसमें भी हम अपने अंतर मन का रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर एंगर, गुस्सा, हिप्नोसिस से गुस्सा भी हम कम कर सकते हैं अपने आप को। फिर नकारात्मक विचार आना, बार बार नकारात्मक विचार आना, वही 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 विचार आना, मन को अच्छा नहीं लगता है। फिर डिप्रेशन, आज कम से कम 5% लोगों को डिप्रेशन है, अच्छा, जिसको दवाई की जरूरत है, और हिप्नोटिज्म से बिना दवाई का डिप्रेशन ठीक हो सकता है ना। ये आपको मालूम है, आत्महत्या से गुजर गए करीब 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, है ना, हर साल। पैनिक अटैक में सम्मोहन काम में आता है। और हिप्नोटिज्म में देखो, ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, आप देखो 10% कॉन्शियस माइंड अपना ऊपर है, जो आपको एक बर्फ की चट्टान जो समुन्द्र में है, तो आपको 10% उसका हिस्सा समुन्द्र के पानी के ऊपर दिखेगा, और 90% हिस्सा समुन्द्र के पानी के नीचे दिखेगा। वैसे ही मन का है कि 10% अपना कॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो अपने को चला रहा है, मतलब आप सांस ले रहे हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड से सांस ले रहे हैं, आप थिंकिंग सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिक चालू है, थॉटिंग, आपका अन्न पचन सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, आपका हार्ट जो चल रहा है धड़क 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 धड़क, सबकॉन्शियस माइंड है, आपको लेटरिन पेशाब हो रही है सबकॉन्शियस माइंड, आप है कहाँ, हम तो कुछ भी नहीं करते, सब तो ऑटोमेटिक हो रहा है, सब मशीनरी है, जो मशीनरी चला रही है, तो वो मशीनरी का रीप्रोग्रामिंग करना जरूरी है, तभी हम समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं।
ये सबकॉन्शियस माइंड की बहुत पावर है, क्योंकि वो 90% है, 90% सबकॉन्शियस में। तो ऐसा लेट के भी करते हैं, फिर ऐसा ये पेंडुलम सामने रख के हिप्नोटिज्म करते हैं, या ऐसा लेट के पेंडुलम सामने रख के आंखों में आंख डाल के भी हिप्नोटिज्म होता है, आंखें ऐसे ऊपर करके कर सकते। काफी सारे मतलब इसका हम वर्कशॉप भी हम लेते हैं, इसको इसको इसी वर्कशॉप में आने का, हिप्नोटिज्म से, हिप्नोटिज्म के वर्कशॉप के पूरा सीखना है, लोगों को हिप्नोटाइज करना है, तो आप वर्कशॉप में आ सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको देता हूँ, वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर ऐसा हम बैठ के, मैं जो प्रोग्राम करता हूँ स्टेज प्रोग्राम, ऐसे लोग सो जाते हैं बैठे बैठे, है ना, जब हिप्नोटाइज होते हैं, मास हिप्नोटिज्म होता है, मास हिप्नोटिज्म। ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का मैंने बताया। सम्मोहन किया कैसे जाता है, अभी मैं आपको एक उसका डेमो दूंगा, राइट। तो इसमें नींद पूरी नहीं होना, सिरदर्द करना, धड़कन बढ़ाना, पसीना आना, दिमाग में पटांग विचार आना, अच्छे से पढ़े हुए टॉपिक भूल जाना, पेट खराब होना, मतलब कितने सारे प्रॉब्लम हमको है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से कवर हो रहे हैं। फेल होने का डर सताना, अपने साथियों की अच्छी तैयारी से चिंतित होना, है ना। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ कि जब आप हिप्नोटाइज होते हैं, हिप्नोटाइज समझो मैं आपको हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, तो हिप्नोटाइज करने के बाद में मैं जो बोलता हूँ वो सामने वाले को सच लगता है, जो मैं बोलता हूँ वो सामने वाले को सच लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है, एक बार हिप्नोटाइज कर लिया कि सबकॉन्शियस माइंड जो उसको बोला वो मान लेता है। तो फिर अभी देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, जैसा ये लड़की को मैंने हिप्नोटाइज किया और उसको बोला कि आपका हाथ सुन हो गया है और मैं आपको अभी इंजेक्शन की सुइयां डाल रहा हूँ, और सुइयां उसके हाथ में डाल दिया, उसको बोला कि आपको दर्द नहीं होगा, और उसको दर्द नहीं हो रहा, वैसे की वैसी बैठी रही, क्योंकि मैंने बोला तो दर्द नहीं होगा। तो देखिए जरा आपको क्या दिखाई देता है, क्या समझ में आता है, एक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। ये देखिए कि हिप्नोटाइज करने के बाद में समझो हम सूचना देते हैं कि आपको दर्द नहीं होगा, तो दर्द होता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम मैं इनको हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, ये उंगली की तरफ देखो, उंगली की तरफ देखो, उंगली की तरफ देखो, देखते देखते आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे, आपकी आंखें भारी भारी हो जाएंगी, एक दो तीन बोलती हैं आपके भारी हो जाएंगी आंखें, एक दो और तीन आंखें भारी हो गई है और आंखें बंद हो गई है। स्लीप 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 और डीप, अभी आपको गहरी 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 सम्मोहन अवस्था लग रही है, सम्मोहन अवस्था गहरी गहरी है, और आपको ये हाथ में कुछ भी दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, मैंने कुछ भी चुभाया तभी दर्द नहीं होगा, मैं कुछ भी आपको चुभा रहा हूँ तभी आपको दर्द होने वाला नहीं है, मैं आपको चुभा रहा हूँ कुछ भी तभी दर्द होने वाला नहीं है, और आपको मैं चुभाऊंगा कुछ तभी दर्द होगा नहीं, एकदम आप रिलैक्स है और दर्द होने वाला नहीं है, आपको दर्द होगा नहीं, ये देखिए अभी ये दर्द होने वाला नहीं है, मैं अभी आपको कोई सुइयां चुभा रहा हूँ तभी आपको दर्द होगा नहीं। तो ये देखिए अभी मैंने इनको बोला कि हाथ को दर्द नहीं होगा, हिप्नोटाइज किया है, हाथ को दर्द नहीं होगा, चार सुइयां मैंने दी हुई है, आठ छेद है, आर पार सुई गई हुई है, और इनको दर्द होता नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने इनके हिप्नोटाइज करके इनको बता दिया। और कितना फास्ट होता है हिप्नोटाइज, बहुत ही फास्ट हो जाता है, एक बार आना शुरू हो जाएगा हिप्नोटिज्म, फटाफट 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 हो जाता है। तो इनको भी देखिए, ये चार सुई है और ये बिल्कुल ही बिना डर के बैठी हुई है, मैं भी ये सुइया निकाल रहा हूं, ये निकाल लिया सुई, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तभी मैं आपको एक डेमो दूंगा, आप तैयारी में बैठिए। अभी क्या करना है कि मैं कॉमन प्रॉब्लम लेके आपको बता रहा हूँ, एक कॉमन प्रॉब्लम लेके। कॉमन प्रॉब्लम कौन सा है, बहुत सारे लोगों को, लोग बोलते हैं ना हमारे दिमाग में विचार बहुत आते हैं और वो विचार मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, विचार कंट्रोल के बाहर है, कंटिन्यूअसली दिमाग में एक आवाज चालू है, वो कुछ ना कुछ अपने आप से बात करते रहती है, कुछ ना कुछ बोलते रहती है, एक आवाज है, कंटिन्यूअसली विचार चालू है, कंट्रोल के बाहर है, ऑटोमेटिक आते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है, एटीएम, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी। और मोस्ट ऑफ द टाइम रेडमी जो इनका है ना, इनको मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ आपका,
क्योंकि वो आपकी बच्ची जो है ना वो सामने रह के बहुत डिस्टर्ब कर रही है मेरे को, तो मैं आपका वीडियो बंद कर, तो सामने बच्ची है ना और बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो वीडियो भी चालू है बच्ची भी डिस्टर्ब कर रही। तो वो जो विचार जो है, तो विचारों को देखना, विचारों को देखना और विचारों को देख के उसको नष्ट करना और दिमाग शांत करना, वो संबोधन में कैसा होता है उसका एक डेमोंस्ट्रेशन दूंगा, उसमें आपको कॉपरेट करना है। आपने क्या करना है कि आप जहां भी बैठे हो वहां देखो कि वहां 70 दूसरा नंबर दूसरा एक मिनट मनीष जी आपका आवाज आ रहा है, म्यूट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसी जगह बैठो घर में कि जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, नंबर एक, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आंखों के सामने ऐसा लाइट नहीं होना, बहुत ज्यादा प्रखर लाइट नहीं होना, डिम लाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, एकदम डिम लाइट रखो, मोबाइल ऑफ करो, हो सके तो दीवार के पास में ऐसा बैठो ताकि आपका सिर जो है वो पीछे, उसको सिर को सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा दीवार के पास में चिपक के बैठ जाएंगे तो आपको सिर को सपोर्ट मिलेगा, ऐसा बैठ जाओ। या फिर हाई बैक चेयर जैसी मेरी है वैसे हाई बैक चेयर होना जरूरी है, ठीक है, एकदम शांत होना। घर के लोगों को बोल दो कि भाई आपको भी डिस्टर्ब ना करे, कोई कोई भी डिस्टर्ब ना करे अभी आपको, ऐसा घर पे बोल दो। बच्चे जो है तो उनको आने मत दो पास में, फिर जरा देखो आप अंदर से लॉक कर सकते क्या, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। घर में पालतू बिल्ली है कुत्ता है वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उनको भी देखो, उनकी भी टेक केयर करो। मोबाइल नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं चालू होना चाहिए, शांति से बैठना है, ठीक है। अभी मैं आपको बार 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 रिलैक्स होने के लिए बोलूंगा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तो आपने पूरा बदन रिलैक्स करना है, पूरा बदन ढीला करना है, रिलैक्स करना है, एकदम रिलैक्स और ढीला करना है। मैं बार बार रिलैक्स बोलूंगा, शिथिल करना है, ढीला छोड़ना है। फिर मैं आपको स्लीप बोलूंगा, तो बार बार जब स्लीप बोलूंगा तो आप सो रहे ऐसी कल्पना करना कि आप सो रहे हैं, ऐसी आपको कल्पना करना। और मैं डीप बोलूंगा, डीप, तो आपको आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, जैसे आप आंखें बंद करते हो तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा है, तो अंधेरा है और आप अंधेरी गुफा में अंदर अंदर जा रहे हो, ऐसी आपने कल्पना करना। मेरी आवाज सुनना है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं ताकि डिस्टर्ब ना करे कोई, मैं सबको म्यूट कर दिया है। यस, और फिर मैं जो बोलूंगा, सम्मोहन में क्या है हिप्नोटिज्म में, कि आपको विजुअलाइज करना होगा। आप जितना अच्छा विजुअलाइज करेंगे, विजुअलाइज करना मतलब तस्वीर देखना, तस्वीर देखना, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, तो आंखें बंद करेंगे तो आप विजुअलाइज कर सकते। आप पहले जैसा बोलो, आंखें बंद करो, अभी सब लोग देखो आंखें बंद करो और अपनी माँ को विजुअलाइज करो, देखो माँ दिखती है कि नहीं, दिखती है सबको, अपनी माँ को विजुअलाइज किया तो, जैसा मैं आंखें बंद करके मेरी माँ को देख रहा हूँ तो देख सकते हैं। और ये ताकत सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही है कि अपन आंखें बंद करके किसको भी देख सकते। आपने क्या करना है, आंखें बंद करके अपने आप को भी देखना है, मैं जो बोलता हूँ उसको देखना है जो भी, और मेरी आवाज सुनना है, लेट के नहीं करना है, आंखें खोलो, अभी आंखें खोलो, लेट के नहीं करना है हिप्नोटिज्म, क्योंकि आप लेट के करेंगे तो अभी समय है 9:58 और लेट के करेंगे तो हो सकता है कि आपको नींद भी लग जाए, तो लेट के नहीं करना है, बैठ के करो। अपने आप को बोलो कि मेरे को सोने का नहीं है, मैं सोऊंगा नहीं, ऐसे एक सजेशन दे दो स्ट्रांग। और हाथ जो है वो ऐसे देखो, ऐसे एक दूसरे में ऐसे उंगलियां डालने का है, ये जो हाथ ऐसी मुट्ठी होगी तैयार, ये अपने जांघ के ऊपर रखो, नीचे पैर के ऊपर, पैरों के पंजे आप ऐसे कर सकते हैं, पंजे पैरों के पंजे आप ऐसे कर सकते हैं, पीछे दीवार को टिक कर बैठो और पूरा बदन रिलैक्स 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 करो, पूरा बदन रिलैक्स 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 करो, पूरा ख्याल मेरी आवाज की तरफ दो, सिर्फ मेरी आवाज सुनो, आंखें बंद करना है, घूमना नहीं है मोबाइल लेके इधर उधर, आंखें बंद, पूरा बदन
रिलैक्स 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 करो, पूरा ख्याल मेरी आवाज की तरफ दो, दूसरी कोई भी आवाज सुननी नहीं है, दूसरी कोई भी आवाज की तरफ ध्यान देना नहीं है, पूरा बदन रिलैक्स 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 करो। पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, छोड़ दो, लेट गो करो, छोड़ देना है, ढीला करना है, रिलैक्स करना है। दोनों घुटने रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स 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 करो, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गया, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलके रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा चेहरा रिलैक्स करो, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, दोनों हाथ, दोनों पैर, कमर, पीठ, पेट, सब रिलैक्स 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 करो, एंड नाउ स्लीप 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 डीप, आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हैं। मैं भी एक से दस तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगे वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था गहरी गहरी होते जाएंगे और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एक दो, गो डीपर एंड डीपर, तीन
बॉडी पर सात आठ नौ दस एंड नाउ स्लीप 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 डीप आप गहरी गहरी संभावना अवस्था में गए हो, डीप 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 गए हो। मैं आपको अभी कुछ विजुअलाइज करने के लिए बोलने वाला हूं, आपने वो विजुअलाइज करना है, आंखों के सामने उसकी तस्वीर लाना है, उसका चित्र निर्माण करना है, इमेजिनेशन करना है। आप पूरा रिलैक्स रिलैक्स होकर गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में हो। आप सिर्फ मेरी और मेरी आवाज सुन रहे हो, दूसरी कोई भी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, आपने सिर्फ मेरी आवाज सुनना है। कल्पना करो कि आप आपके घर के बाहर गैलरी में या आंगन में बैठे हो और रास्ते पे से जो भी कोई आ रहा है जा रहा है उसको देख रहे हैं। बाहर से जो भी आ रहा जा रहा है आप उसको देख पा रहे हैं। पूरा रिलैक्स है, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी कल्पना कर रहे हैं। देखो आप बैठे हुए हैं, पूरा रिलैक्स है और आप देख रहे हैं तस्वीर कि एक जोकर आपके राइट साइड से रास्ते पे से गुजर रहा है पैदल और वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। वो जोकर है, वैसे हाथ कर रहा है, पैर कर रहा है, रंग बिरंगी कपड़े है, उसने टोपी पहनी है, वो जोकर है। उस तभी वो बड़बड़ करते जा रहा है, आप उसको देख रहे। वो दाहिने बाजू से आया, राइट साइड से आया और बाएं बाजू जा रहा है, वो निकल गया। अभी कोई नहीं रास्ते पे। शांत रिलैक्स आप बैठे हैं। फिर और एक जोकर उधर से आया, राइट साइड से वो नाचता हुआ आ रहा है, नाच रहा है, रंग बिरंगी कपड़े पहने हैं, कलरफुल ड्रेसेस है, टोपी पहनी है, कुछ तो भी गाना गा रहा है और नाचता झूमता वो राइट साइड से चलते चलते आ रहा है, आपके घर के सामने से रास्ते पर से गुजर रहा है। आप उसको देख रहे हैं और वो बाएं तरफ निकल गया गायब हो। कोई नहीं रास्ते पे, आप रिलैक्स बैठे हो। फिर एक जोकर राइट साइड देने बाजू से आपको दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगी कपड़े हैं, घूम रहा है इधर उधर, नाच रहा है, गा रहा है और झूमते झूमते आपके राइट साइड से आ रहा है चलते चलते और आपके लेफ्ट साइड से आपके सामने से फाटक के सामने से दरवाजे के सामने से निकल रहा है और वो निकल गया और लेफ्ट साइड में चले गया।
आप देखो आपके दिमाग में ऐसे ही विचार आते रहते हैं। विचार आते हैं आपको मालूम नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक विचार आते हैं और ये विचार ऐसे आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। उसको सिर्फ देखना है आप, जो भी विचार आपको तकलीफ दे रहे हैं उसको देखना है। आप देखेंगे तो आएंगे और जाएंगे। वो जो जोकर जा रहा था उसको आपने रुका लिया, उससे बात किया तो वो रुक जाएगा, उसको इम्पोर्टेंस दिया तो वो रुक जाएंगे, उसको चाय पानी पिलाया तो वो रुक जाएंगे, उसको महत्व दिया तो वो रुक जाएगा। आपने उसको सिर्फ देखा, अनदेखा किया तो राइट साइड से आया, लेफ्ट साइड से गुजर गया। वैसे ही आपको ये सम्मोहन की अवस्था में बैठना है और आपके विचारों को देखना है कि विचार आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक विचार, ऑटो पायलट के ऊपर नेगेटिव विचार आते जाते। तो आपको प्रैक्टिस ये करनी है, तो विचारों को आपको देखना है, आ रहे जा रहे आ रहे। अब देखो मैं शांत रह रहा हूँ, चुप बैठ रहा हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, आप देखो विचारों को महत्व देना नहीं है, आ रहे और जा रहे आ रहे और जा रहे, ऐसा करना है, देखना है, देखते रहो। आपने देखा है ये ऐसे विचार बहुत सारे आते हैं और आपको उसको महत्व देना नहीं है, शांत रहना है, शांत बैठना है और आपको ये महसूस करना है कि ये विचार हमको तकलीफ देते रहते हैं, उसको महत्व देना नहीं है। वो आएंगे, जैसे आएंगे ऑटोमेटिक वैसे जाएंगे ऑटोमेटिक, और ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अभी मैं आपको कुछ सूचनाएं दे रहा हूँ, वो सूचना है सुनना है, अपने जीवन में लाना है, और यही सूचना है बाद में भी दोहराने का है। रोज रात को आपको गहरी गहरी नींद आते जाएंगी और सुबह उठने के बाद में दिन भर बहुत ही फ्रेश लगेगा, उत्साहित लगेगा, अच्छा लगेगा। दिन ब दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है, कोई भी समस्या का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सकते हैं। और आपने अभी अपने आप को देखना है, अपने आप का चित्र सामने देखना है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, आपका एंथुजियाज्म, ताकत, पावर, एनर्जी बहुत बड़ी है और आप कोई भी समस्या का सामना कर सकते हैं। ऐसा अपने आप को देखो। जो भी समस्या है उसका सामना आप कर। गुड। हर रोज दिन ब दिन हर क्षेत्र में आप अच्छे होते जा रहे हो, हर रोज दिन ब दिन हर क्षेत्र में आप अच्छे होते जा रहे हो। एवरी डे इन एवरी वे यू आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर। ये मंत्र आपने रोज बोलना है, हर क्षेत्र में हर रोज हर दिन आप अच्छे होते जा रहे हो। आपने कौन सा मंत्र बोलना है? हर रोज हर दिन हर क्षेत्र में दिन ब दिन मैं अच्छा होते जा रहा हूं।
हर रोज हर क्षेत्र में दिन ब दिन मैं अच्छा होते जा रहा हूँ, मैं तरक्की करते जा रहा हूँ, ये आपने बोलना है। बहुत बढ़िया, मैं भी 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती कम कम होते जाएंगी वैसी वैसी आपकी संभावना उतना धीरे धीरे खुल जाएगी और आपको जाग आ जाएगी। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, बहुत ही उत्साहित लगेगा, बहुत ही एंथुजियास्टिक लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपको जैसे 7 घंटे की नींद ही पूरी होगी, इतना फ्रेश फ्रेश लगेगा, बहुत जबरदस्त। 3 2 1 तो जाग जाओ, आंखें खोल, आंखें खोलना है। आपको कैसा लगा ये सेशन में, क्या लगा ये हमने किया, तो कुछ लोग आप हाथ ऊपर करके शेयर कर सकते, आप हाथ ऊपर करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दूंगा, फॉर्म भेजूंगा, तो आप शेयर कर सकते हैं। तुमने ये देखा कि डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, घबराहट, पैनिक अटैक्स, हेडेक, माइग्रेन, सभी पेट की बीमारियां सब ठीक हो सकते हैं। यस, आप शेयर कर सकते हैं कैसा लगा, हाउ वाज इट, आपको आपके लिए कैसा था। यस, वुड लाइक टू शेयर। यस, केतन कच्चा, केतन काचा बोलिए। हेलो यस, सर, बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरे को क्या थोड़ा शारीरिक पेट की बीमारी प्रॉब्लम है और ओवर थिंकिंग बहुत रहती है और प्रेजेंट में नहीं रह सकता। कोई मैं काम करता हूँ तो उसमें ध्यान नहीं रहता और दूसरे दूसरे ख्याल आने चालू हो जाता है, लेकिन जो प्रेजेंट का काम है ना वो बिगड़ जाता है। पर अभी जो ये सेशन हुआ ना, उससे लगता है सब ठीक हो सकता है। गुड, बहुत बढ़िया। देखो, ओवर थिंकिंग में वही है जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ओवर थिंकिंग में आपके मन के खिलाफ विचार आते रहते हैं, है ना। आप नहीं चाहते, कौन चाहता है कि ओवर थिंकिंग करे, ऑटोमेटिक होता है। तो जब आप बराबर। ये सीख जाएंगे सेल्फ हिप्नोसिस, और वो विचारों को देखेंगे, अरे इधर से आ गया, इधर चले गए, इधर से आ गया, इधर चले गए विचार, जस्ट। तो बराबर। देखो, आपके पांचों जो इंद्रिय है, पांचों इंद्रिय हाँ वो सब बंद करके समझो आप बैठे हैं, और पांचों इंद्रिय कौन से, आंखों से बंद, कान से बंद, त्वचा जो है उससे कुछ फीलिंग नहीं करने का है, जीव जो है जीवा उससे कोई टेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, बराबर। श्वास जो है वो श्वास सिर्फ ले रहे हैं मगर कुछ सूंघ नहीं रहे हैं, पांचों इंद्रिय बंद करके आप बैठे हैं और सिर्फ रिलैक्स हो रहे हैं, तो आपको अंदर झांकने का मौका मिलेगा कि आप अंदर झांक रहे हो, सबकॉन्शियस वाह माइंड में चल रहा क्या वाह। है, सब तो विचार है, विचारों की एक गठान है, एक गठान बांधी विचारों की, एक पूंजी एक थैली है और वो आपको सता रही है, ऐसा ही है सर। बराबर है कि नहीं। आपको नेल्सन मंडेला के बारे चलो, में विचार आएंगे क्या, ओवर थिंकिंग में नहीं नेल्सन नहीं मंडेला नहीं आएंगे, तो नहीं नहीं वो नहीं आपके मेमोरी में है नहीं, तो नहीं नेल्सन नहीं मंडेला सही कहाँ बात। विचार आएंगे हाँ आपको, विचार आएंगे रोज जो चल रहा है और बचपन से अभी तक जो हुआ उसके बारे में विचार आएंगे। हाँ सही बात। हाँ, तो उसको आपको देखने का, विचारों को देखना आपको सीखना है। देख बराबर, और निकालते जानने का है। यस, तो आपके जानकारी के लिए हर गुरुवार को हम सेशन करते हैं, बहुत सारे हाँ, लोग आज नए हैं तो मैं हर अभी गुरुवार नया को मैं हूँ, पहली सेशन बार करते है। हैं, या पहली बार आए, हर गुरुवार को आते जाइए 9:30 बजे, तो मैं पक्का आपको एक पक्का सर, लिंक दे रहा हूँ, ये लिंक में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप में हो तो उसमें हूँ मैं। ये आपको कहाँ से लिंक मिली केतन भाई? नहीं, वो यूट्यूब में मैं आपको एनजाइटी के अच्छा, बारे में यूट्यूब नया में मिला? वीडियो, हाँ, यूट्यूब से हाँ आए आप, यूट्यूब में। बराबर, हाँ तो गुड गुड गुड। तो आपको ये लिंक देता हूँ ताकि एनजाइटी, आपको ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, है ना, तो आपको हर हाँ गुरुवार मैं को हो लिंक गया मिल उसमें। जाएगा। गुड। और वैसे ओके ओके बोलना है कि जैसे लोग काफी नए हैं, हमने पहले भी अनाउंस किया कि शनिवार को, आज का गुरुवार है, 2 दिन बाद शाम को हाँ 7 से 11 पेरेंटिंग के बारे में वर्कशॉप लेने वाले, पेरेंटिंग, परवरिश, बच्चों की ओके परवरिश, बच्चों को काबिल कैसे बनाए, बच्चों को शक्तिशाली कैसे बनाए, उसके बारे में 4 घंटे का वर्कशॉप है, उसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आपको ये लिंक दी हुई है परवरिश की, तो वो लिंक में आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हम उसके बारे में ओके डिटेल बता देंगे। ये शनिवार को 15 अक्टूबर को भी परवरिश का वर्कशॉप है, राइट। ओके
परवरिश। गुड, थैंक यू सर। थैंक यू।